Hallelujah. I'm going to sing this song in Hindi and in English. This is a song for our nation and actually for the whole world, because never before in the history of the world so recently has the need for the love of Jesus Christ to percolate not only the corners of my country, but all over the world, so that every house understands and knows the great love of the Savior of this world. Hey Prabhu, main yahan aapko main prarthna karta hoon is sunera savere pe ki hamare ye is gana hamare sansar ke har kone mein यशु मसीह की प्यार का संदेश पहुँचे, खास करके मेरे देश में हर घर में उनकी प्यार दिलों को आग लगा के जला के उनकी महिमा और उनकी आधुनिक प्रेम की एहसास हो। हे प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है इस सुनहरा सवेरे के लिए। तो मैं ये गाना गाता हूँ अंग्रेजी और हिंदी में। Knock knock, who's there? Knock knock, who's there? और हिंदी में खटखटाया, हाँ भाई कौन है? खटखटा कौन है? तो आज सवेरे जब मैं कल रात को मैं जल्दी सो गया, शाम को यीशु मसीह की प्रेम के पैगाम एक हरा सा तितली मेरे खिड़की पे आ बैठा। मैंने उसको 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 मैंने कुछ उसको कुछ हिलाया नहीं, मैंने ऐसे ही एक फोटो निकाला था और मैं सो गया। काफ़ी निराश था मैं, क्योंकि इस 27 दिसंबर की प्रोग्राम बेथलहम क्रेडल रॉक्स बेथलहम की कहानी, जहां यीशु मसीह हम ईसाई जब नाताल को की
त्यौहार मनाते हैं। तो ये नाताल की त्यौहार जब 25 दिसंबर पे हम मनाते हैं तो ये दूसरा रविवार है जिस पे हम यीशु मसीह की हमारे संसार हमारे प्लैनेट में आने की याद में हम तैयारी करते हैं, हमारे घर की तैयारी करते हैं, हम साफ सफाई करते हैं। और मैं जब उठा सवेरे उठा तो सपने में मुझे खटखटाने की हल्का सा खटखटाने की आवाज़ मुझे उठाया हल्का सा खटखटाने की आवाज़ उठाया तो मैंने जैसे उठा तो मैंने प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं आपको मेरे घर में मैं आपको खुलेआम हाथ फैलाए मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आओ प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं तैयारी कर चुका हूँ। तो मैंने देखा था कि साफ़ सफाई तो करना ही है, अगर अपना घर ऐसे भी खड़ा हो तो भी मैल जमा होता है। और तो साफ़ सफाई करके मैं कुछ वीडियो और फोटोग्राफ्स बताता हूँ। मैंने साफ़ सफाई करके दो रविवार के दो दिया जलाया। और फिर जब मैं मेरे चाय बना रहा था तो पीछे के दरवाजे पे एक बिल्ली आ पहुंचा और खाना मांग रहा था। तो मैंने मेरे दोस्त के लिए कुछ खाना बनाया था तो उसमें से मैंने कुछ खाना इस बिल्ली को दिया था। और मुझे मैं वो अंदर आने की कोशिश किया था तो मैंने बोला, हे भाई आप बाहर ही रहो, आप खाना खाओ। तो खाना खा लिया और मैं आ बैठा यहाँ इस संदेश लेने के लिए। नॉक नॉक, हूज देयर, खटखटाया, भाई कौन है? यीशु मसीह हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठने के बाद उनकी खास शिष्य पाथमोस आइलैंड पे जब उन्होंने उनको आ मिला, जब वो कैद था पथमोस आइलैंड पे, वो बोला था हेलो रुको, देखो मैं आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ वहाँ, आप मुझे अंदर क्या ले आएंगे? मैं आपके दरवाजा तक पहुँचा हूँ, खटखटा रहा हूँ, क्या आप मुझे आपकी अतिथि बनाएंगे? तो हे प्रभु इस सोच में मैंने इस रविवार के खास मतलब क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ वचन सुनाता हूँ। जब प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा यहूदियों लोग को उनकी जो नियम हम भी आज तक मानते हैं, सारे संसार मानते हैं, हम इस एक खास करके कुछ त्योहारों के नियम दिए थे उन्होंने। उन्होंने कहा कि हे भाई, जब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्रॉमिस्ड लैंड, जो वादा दिया था, जो जमीन आपको देने की वादा किया था, मैंने जब आपको जब आप वहां पहुंचे तो हे भाई आप देखिए लेविटिकस की किताब में 33 चैप्टर और 10वां वचन के बाद, और उसने कहा मूसा से, हे भाई आप यहूदियों लोग के इसराइलों के लोगों को बोलो कि मैं जब आपको आप जमीन आपके प्रॉमिस लैंड में आपके वादा किया हुआ देश में मैं जब आपको ले आया हूँ और आप उस देश के फसल खाया तो एक फसल का एक डंडा आप मेरे लिए जरूर ले आए,
आपका जो पादरी है, आपका जो पुजारी है, उनको कहो कि ये शीफ, ये एक खड़ा हुआ शीफ आप लेके आओ और शबात के दूसरे दिन पे इसे मेरे मंदिर में ले आओ। 14वां वचन, ये शैल ईट नी द ब्रेड नॉर पाच कॉर्न नॉर ग्रीन ईयर्स अंटिल द सेम सेल्फ डे दैट ये हैव ब्रॉट एन ऑफरिंग अनटू द लॉर्ड एंड इट शैल बी अ स्टैट्यूट फॉर एवर थ्रू आउट योर ड्वेलिंग्स एंड जेनरेशन। I will give you, you shall reap the harvest and you shall bring it to me on the morrow of the Shabbat. तो ये क्या खास दिन है और ये हमारे लिए रविवार क्यों इतना खास दिन है, हम क्यों रविवार को हफ्ते का प्रथम दिन मानते हैं? ये हम इस रविवार को हफ्ते के प्रथम दिन इसलिए मानते हैं क्योंकि इस दिन पे यीशु मसीह जी उठे और यहूदियों के जो नियम थे, जो उनके पुजारी मंदिर में एक खड़ा डंडा ले आके प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा एकदम होली ऑफ होलीज के सामने जब लेके आते हैं, तो उसका जो नज़ारा है हमारे यीशु मसीह के पाप, मृत्यु और नरक पे विजयता प्राप्त करके खड़ा हुआ और स्वर्ग के मंदिर में प्रस्तुत हुआ। तो ये क्रिसमस के दिन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, क्रिसमस के दिन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा मनुष्य के रूप का धारण नहीं किया था तो क्रूस ना होता। अगर क्रूस ना होता तो मेरे प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा मृत्यु, पाप और नरक पे विजयता नहीं कर पाता और स्वर्ग के दरवाजा जो उन्होंने जी उठने से, खड़े होने से और स्वर्ग के राजधानी और सिंहासन के सामने खड़ा होके हमारे लिए दरवाजा हमेशा के लिए खोला है। और दरवाजा का केवल एक ही रास्ता है और एक ही मैं क्या कहूं, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा इतना प्यार किया हमें उन्हें हमारे बीच आके हमारे दर्द, हमारे पाप, हमारे भूख, हमारे आप सब समझ सकते हैं, वो प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा मनुष्य के रूप धारण करके क्रिसमस के दिन पे बेथलहम में मनुष्य का रूप धारण किया था। एक नन्ना सा, छोटा सा, एकदम मासूम और एकदम कोमल बच्चा की तरह आया, जिनके परवरिश करना पड़ा और हमारे क्रूस तक पहुंचते हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा हमेशा के लिए खोला है। इस नाताल में हम बेथलहम, क्रेडल रॉक, देयर वाज अ क्रेडल दैट रॉक्ड इन बेथलहम एंड इट स्टिल रॉक्स द वर्ल्ड। अगर आप इस आधुनिक प्रेम की एहसास आपके दिल में रखो तो आपको किसी कठिनाई के,
कोई भी कठिनाई की सामना करने का एक बिल्कुल अच्छा उदाहरण आपके सामने है। हे प्रभु, आपके प्यार, आपके आधुनिक प्यार बेथलहम से जो शुरू हुआ और कलवरी तक पहुंचा और कलवरी के बाद स्वर्ग तक, हे प्रभु, ये दरवाजा खोलने का हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हे प्रभु आपके एकलौता पुत्र जो था, जो है और वो हमेशा रहेगा। इन जीसस नेम आमेन। नाउ योर लव स्वीट दिस नेशन कॉज अस ओ लॉर्ड टू अराइज।